शादी के बाद ही मेरी जिंदगी रंगीन हुई है, वरना मैं तो ब्लैक सूट के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन इमरान ने मुझे हर कलर के ड्रेस पहनाए। सूट मेरे भी आ गए अपने प्यारे। हाँ तो भाई मेरे भी सूट आ गए, मैं भी जा रहा हूँ इस दफा सिलवाने। तुम भी करके उनका चर्चा, अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खैरियत से तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अच्छा जी, आज है मंडे। अब बेगम से मैं बोलूँगा भाई क्या बनाना है क्या नहीं, को ये एक बड़ा मसला होता है यकीन करें। मेरे साथ तो ये है कि भाई मैं जो है ना क्या बताऊँ, खाने में मैं ना बड़ा आल का स्वाद सामने मगर फरमाइशी चीज़ें सब बनवाते हैं, सब बनवाते हैं अपनी मर्ज़ी से कि ये बना दो आज, ये खिला दो मुझे आज, ये बना दो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी बहुत सारी दुआओं में आप लोग तो हर वक्त शामिल रहते हैं, और जिस जिसने दुआ के लिए मुझसे कहा है तो मेरी दिल से दिल की गहराइयों से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और सारी दुख तकलीफें परेशानियाँ दूर करें, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमें भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। तो जी आज इमरान देखें क्या नई फरमाइश करेंगे, रोज आना की एक नई फरमाइश इनकी, आज ये बना के खिला। भाई मैं तो कह रहा हूँ बस अब कुछ चाइनीज बना लो आज। देखा मैं, मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसी फरमाइश करेंगे कि मुझे फंसा देते हैं कि चल मैं खड़ा कर देते हैं। भाई असल में मसला ये है कि जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है ना इंसान वही तो खाएगा ना, अब क्या करे, जारी बात है जो चीज़ दिल चाह रहा है तो भाई वही खाते हैं। मसला ये होता है कि अब कुछ बना देती है ना तो मुझे फिर पसंद नहीं होता ना, ये फिर बहुत बड़ा मसला होता है। जो मुझे पसंद होता है मैं इरम से कहता हूँ वही बना लिएगा, तो ये अब काम हर खवातीन और जो हर घर बहनें जो बैठी हुई हैं जो बनाती हैं, वो जारी बात है वो तो जो उनको पता है उनके हस्बैंड क्या खाते हैं या भाई क्या खाते हैं या घर वाले क्या खाते हैं तो वो ज़रूर पूछते होंगे। तो भाई इसका मेरे साथ भी यही मसला है। ठीक है सही है, मैं आपके लिए बना दूंगी मज़ेदार सी चिकन चाउमीन, और यहाँ पर अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए रेसिपी भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी तो सबसे पहले जाते हैं किचन में और इनके ही फरमाइश पूरी करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज की रेसिपी है चिकन चाउमीन, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। सबसे पहले मैं जो इसका सॉस रेडी होगा मैं उसकी आपको रेसिपी बता देती हूँ। ऑयस्टर सॉस लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, ये मैंने सिरका लिया है 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक लिए मैंने ये 4 टेबल स्पून, सोया सॉस है 1.5 टेबल स्पून, और ये चिली सॉस है ये भी 1.5 टेबल स्पून। तो ये हो गया सॉस। अब मैं आपको जो उसके अंदर मसाले ऐड होंगे वो बताती हूँ। ये मैंने चिकन क्यूब्स लिया है तनौर का, और ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, और ये दखनी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अच्छा ये जो मसाला है ये आप अक्सर आप जो पैकेट लेते हैं स्पैगेटी वगैरह का उसमें से निकलता है, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन, अदरक इसके अंदर नहीं डलेगी। 1/2 ब्रेस्ट पीस चिकन का बोनलेस लिया है ठीक है, और ये मैंने बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च वगैरह हैं। चलें तो अब हम सॉस बन रेडी करते हैं अपना। सबसे पहले हम ये ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे, ये सिरका, चिली गार्लिक सॉस, ये सोया सॉस, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सॉस रेडी हो गया। देखें मैंने यहाँ पर एक पकौड़ा लिया है उसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और अब हम इसके अंदर अपना ये लहसुन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसे चलाएंगे। ये मैंने अपनी चिकन ऐड कर दी, इसका कलर चेंज होने तक हम अच्छे से भूनेंगे। तो देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, अब इसके अंदर हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब्स,
और ये सारे मसाले। इसमें हमने सारे मसाले अपने मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पहले शिमला मिर्च को हम ये अपनी बंद गोभी ऐड कर देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी ये और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये एक दो मिनट इसे पकने देंगे। फ्लेम अपना हम लो कर देंगे। ये प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा, ये स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली थी, एक टेबल स्पून ऑयल और वन टेबल स्पून नमक डालकर, और ये मेरा डेढ़ पैकेट है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जो हमने अपना सॉस रेडी किया था ये रहा, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखें, अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 5 मिनट्स के लिए पकने दें। कितनी जल्दी मेरी चिकन चौमिन रेडी हो गया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका। सारे घर में ढूंढ रही हूँ और जनाब यहाँ पर खामोशी से ये काम कर रहे हैं। तो मैंने असल में थोड़ा सा बुरा लग रहा था ना यहाँ से, तो हाँ उसको ढक दिया पेपर से। चलिए, ये आपने वैसे अच्छा किया। तो थोड़ा सा ये जाना अच्छा लग गया मुझे। मैंने कहा ये बेगम साहिबा काफी दिनों से कह रही थी मुझे जी, काम कर रही हूँ। अब मुझे किचन की सारी नई चीजें चाहिए। हाँ, क्योंकि ये देखें ना, कल सारे मेहमान गए हैं तो पूरा मेरा किचन फैला हुआ है इस तरह। और अब इमरान, मैं ये बोटल्स वगैरह भी सब हटा रही हूँ भाई, वहाँ ना जी। चलें तो फिर अब मैं ये सब काम करती हूँ। ड्रेसिंग की भी मेरी कुछ ऐसी हालत हो रही है, ये सब भी मुझे यहाँ से हटाना है। और अच्छा जी, अगर किसी को इस पाउडर के बारे में पता है और कहीं आसानी से मिल जाए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स कीजिएगा, मुझे चाहिए ये वाला पाउडर, लेना है। अच्छा जी, जश्ने आमद रसूल अनकरीब जल्दी जल्दी जो है ना अपना आ रहा है, और आप सबको जश्ने ईद मिलादुन नबी का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी, इसमें ख़ास हम सब तैयारी करते हैं और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इस दफ़ा। हर साल ही करता हूँ लेकिन इस दफ़ा भी। और बेगम साहिबा, ये कहाँ फिर रही हैं आप? मैं अपना सूट रखने जा रही थी। सूट ये हर वक्त लाती है, अब पीछे भी नहीं रहा। मैं भी जो है ना अपना सूट लेके आया हूँ। इवर्स ये देखें, ये सूट मेरे भी आ गए। हाँ, तो भाई मेरे भी सूट आ गए, मैं भी जा रहा हूँ इस दफ़ा सिलवाने। हर साल ही से लाता हूँ लेकिन इस दफ़ा भी मैं क्यों पीछे रहूँ भाई। हर दफ़ा जो है ना बेगम साहिब ही जो है ना सूट्स लेके आती हैं। गलियां सज जाती हैं, पूरे घर सज जाते हैं माशाल्लाह आका अलैहि सलाम की आमद का। तो हमें भी बड़ी खुशी है। तो इस बात पे जो है ना बेगम साहब ने अपनी तैयारी है, ये देखें ये सूट में मतलब मुझे इमरान ने दिलाया अपनी खुशी से, भी अच्छा लग रहा है, आप ले लो, मैं एक और सूट लेकर आऊंगी। तो चले जी, ये देखें, बस ये सूट ही सूट चाहिए हमारी बेगम साहिबा को। तो चल, लेडीज की यही शॉपिंग होती है, कपड़े वगैरह हर किसी को किसी ना किसी चीज का क्रेज होता है, और मुझे सबसे ज्यादा क्रेज शॉपिंग का है, मेकअप का, ओहो माय गॉड, और फैंसी और अच्छे मोबाइल का, जो कि इमरान मुझे आप दिलाएंगे इंशाल्लाह। तो जी, ये दुपट्टा है, देखें कितना खूबसूरत है, ये जबरदस्त है, और सिंपल ट्राउजर है, नीचे रख दूं। और अब मैं आपको उसका शर्ट दिखाती हूँ, जो शर्ट का प्रिंट है ना वो बहुत अच्छा है। खैर, कलर मुझे भी पसंद आया है, शादी के बाद ही मेरी जिंदगी रंगीन हुई है, वरना मैं तो ब्लैक सूट के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन इमरान ने मुझे हर कलर के ड्रेस पहनाए। ये भी पहनो, ये भी अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू। आप दिखाएं डिजाइन तो दिखाएं ना इसको। ये फ्रंट है, फ्रंट पर ये गला बना है, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं है मगर इसका फैब्रिक बहुत जबरदस्त है। ये बैक है और इसके नीचे स्लीव्स हैं, ये सही जी।
और हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, उन्होंने खास तौर पे कैनेडा से फरमाइश की है कि इस माशाल्लाह से मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे, आमीन सुमामी। जजाक अल्लाह सिस्टर, रिक्वेस्ट ये की है उन्होंने कि एक छोटा सा शेर भी पेश कर देगा नात का अपनी प्यारी सी आवाज में। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें मेरी आवाज इतनी पसंद आती है। तो कौन सी नात पढूं सोचती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। हाँ चलिए सुनाती हूँ मैं आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना दिल खुश हो रहा है मैं बयान नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह ताला अगले साल रबी अव्वल मदीना शरीफ में मनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार प्यार से कमेंट्स करें। और इंशाल्लाह ताला हमारे घर में तो जी ईद मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जोरों शोरों से। और आपके घर में हो रही है नहीं हो रही तो जल्दी जल्दी करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमें बताएं। इसी के साथ में हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। और आप सबको इरम इमरान की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।